टाइम देख रहे हो भाई, ये सवेरे के 3:15 बज रहे हैं। 4 बजे हमें निकलना है, लेकिन नहा धो के रेडी हो गए एकदम। रात को नींद आई नहीं प्रॉपर, तो सभी भाइयों को राम राम भाई। और उठ के तैयार हो गए अपन, 3:15 बजे यहाँ से निकलना है चंडीगढ़ के लिए। रास्ते में रुकेंगे राव पे नाश्ता करने के लिए। 4 बजे का टाइम दिया बंसल जी ने, बंसल जी को इंतज़ार ना करना पड़े, इसलिए हम टाइम से पहले तैयार हो गए। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो बच्चे सवेरे 9 बजे क्लास लेने के लिए उठते नहीं है, 9 बजने में 2 मिनट पहले भी, वो सवेरे 3 बजे उठ के नहाने भी चले गए हैं, क्योंकि ये है घूमने की एक्साइटमेंट। हाँ भाई, राघव आ गया नहा के। कब कब का आ गया? ये देखो, ये रेडी है बच्चे, का आ गया बच्चा है ना। और इसको 9 बजे उठाओ तो ये उठता नहीं है पढ़ने के लिए। बच्चा? वी आर ऑन द मिशन। गुड मॉर्निंग बंसल जी। गुड मॉर्निंग। चलो पहुंच गए ठीक 4 बजे डॉट। और ये गुड मॉर्निंग करेंगे। ये देखो, ये हमारे साथ एक छोटी सी परी है, पर अभी दिखाई नहीं दे रही है अंधेरे में। बाहर आओ बेटा, बस यही लगा दे बेटा, ये तो मेरे को विजन का वो करेगा। लगा दे, एक लगा दे। चलो निकलते हैं, पीछे लगा दे तो चाहे कोई दिक्कत, बस ठीक है। ऑल सेट टू गो भाई। हरियाणा पहुंच गए, 4:15 निकले थे जयपुर से, और यहाँ पे तेल है 86 रुपये 55 पैसे। दोनों गाड़ियों में तेल भराएंगे, टंकी फुल। डाल दे भाई, डाल दे। बंसल जी, क्या एवरेज दे रही है गाड़ी? 15 की एवरेज दे रही है। 15 निकाली है। चलो जी, देखते हैं। सिट्रॉन के साथ पहला टूर है हमारा, ये क्या परफॉर्मेंस रहती है। अरे ये आ गई परी, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। बंसल जी की गाड़ी में आ गया 51 लीटर, 4400 रुपये का तेल आ गया। अब देखते हैं हमारी वॉल्वो कितना ले गई। ये भाई टूर रेट का भी फर्क पड़ा होगा ना, इसलिए बढ़ गई होगी। हाँ, टूर से पहले अपन ने स्टिकर्स लगवाए गाड़ी में। ये वॉल्वो में चल रहा है भाई डीजल अभी। भाई वॉल्वो में आ गया है 5400 रुपये का तेल, 62 लीटर, 62.5 लीटर। दोनों गाड़ियों की टंकी हो गई फुल। और अगला पड़ाव है राव पे, राव पे खाएंगे परांठे। बाय। तू कहाँ जा रहा है भाई? वहाँ बैठ रहा है। मीटिंग सूट। ये भाई पहुँच गए राव पे खाना खाने। ये मंगाया अपन ने एक तो डोसा, परांठे, और बच्चों के सैंडविच आए थे वो तो अब इनके पेट में जा चुके हैं। पराठे का साइज सवेरे लगभग 7:30 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए अपना नंबर जल्दी आ गया, खा के निकलेंगे यहाँ से फटाफट। भाई पराठे खा लिए हैं, चाय पी रहे हैं, खाना एक नंबर, मज़ा आ गया। और जब हम रुके थे तब तो भीड़ भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है भीड़ हो गई है राव पे। बढ़िया शानदार। चलो मिलते हैं आगे। ये भाई सवेरे का नज़ारा, बंसल जी की सिट्रॉन और ओल्ड राव का खाना, शानदार कॉम्बिनेशन। हल्की हल्की ठंड है, और इतनी नहीं है बट सुहाना मौसम हो रहा है। आगे देखते हैं, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि पता चले चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आगे फिर हम किधर निकलेंगे। और जिन भाई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये चढ़ गए भाई KMP हाईवे पे। अब हमने दिल्ली जयपुर हाईवे छोड़ दिया है, KMP पे पहुंच गए। कोहरा हो रहा है, ज़बरदस्त कोहरा। सवेरे 8 बजे, 8:10 हो गए, 7:15 बजे निकले थे घर से। नाश्ता कर लिया, डीजल भरा लिया, 4:15 बजे निकले थे, सॉरी 7:15 बजे तो नाश्ता करने बैठे थे। अब भाई
थोड़ा केएमपी के नज़ारे देखो। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने स्वागत कर दिया भाई, और यहाँ पे स्पीड अलाउड होनी चाहिए 120 की शायद, देखते हैं आगे कहीं बोर्ड आएगा। वैसे स्पीड कैमराज भी लगे हुए हैं इस पे, एक बार स्पीड कंफर्म कर लेंगे कितने के अलाउड है, फिर उसी हिसाब से गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी चल रही है भाई इस टाइम 130 पे, बंसल जी भी फुल टेस्ट ले रहे हैं नई सिट्रॉन का, कहाँ तक दौड़ेगी। भाई हल्की बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, कोहरा तो जबरदस्त है ही। ये देखो हरियाणा की खेती भाई, हरियाणा में खेती की तो कोई दिक्कत आई नहीं, खूब पानी है। और ये बंसल जी की सिट्रॉन ओवरटेक कर रही है अपने को, कैसा लग रहा है परी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ढंग से बोल कौन से। हाँ बंसल जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ठंडा और बहुत मजेदार। मजेदार, वेरी गुड। ये देखो, ये देखो हरियाणा के खेत भाई साहब, ये तो सरसों हो रही है, सरसों आगे गन्ने हो रहे हैं, आगे गन्ने हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गन्ना हो रहा है, गन्ना। और ये केएमपी हाईवे, सर्दी मिलेगी ना बंसल जी? अरे बर्फ मिलेगी कि नहीं बताओ? अरे सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। ये भाई हमने केएमपी छोड़ दिया है, अब हम आ गए जीटी रोड पे। एक घंटा पूरा लगा जिसमें 10 से 15 मिनट हम बीच में रुक गए थे वीडियो बनाने और फोटोग्राफी के लिए। तो लगभग वो जो 80 किलोमीटर थे वो हमने पौने घंटे में कवर कर लिए एक्चुअली। तो भाई 10 बज गए लेकिन धूप का कोई नामो निशान नहीं है, सूरज देवता दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे भी। इस हिसाब से तो शिमला में बहुत ही ठंडा मौसम मिलने वाला, हो सकता है बर्फ भी मिल जाए, इसलिए भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आनंद लें। ये भाई लेक्सस अपने आप में लग्जरी कार है, दुबई गए थे तो ये हमारे को टैक्सी में मिली थी ये गाड़ी, वहाँ नॉर्मल टैक्सी में चलती है ये गाड़ी। मिनी कूपर भाई, TS नंबर कहाँ का है भाई, किसी को आइडिया हो तो बताना। किसी से फोटो नहीं लेनी थी। TS नंबर कहाँ का होता है? कौन सा नंबर? TS तो या तो तेलंगाना है या तो कहाँ है? नो आइडिया। तेला भाई आपने देख लो कोई? क्या देखो? क्या देखो? तो यहाँ पे जिप्सी है, देख लो कोई। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे। इसमें ले रहे हो भाई? पहुंच गए हैं हम लोग लगभग चंडीगढ़ के पास, अभी खाना खाने के लिए रुके हैं और अपने को टाइम लगा है। अंबाला से पहले तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं थी, अंबाला के बाद टॉर्चर शुरू हुआ है और अभी टाइम हो गया है लगभग 12:30। हम 4:15 चले थे, 7:15 हमने ब्रेकफास्ट किया था और अब हम लंच के लिए रुके हैं, लंच करके और फिर निकलेंगे होटल के लिए। चलो मिलते हैं फिर। ये है भाई चंडीगढ़ से जस्ट पहले हल्दीराम, हल्दीराम है, अड्डा पब है और सबवे है, निक बेकर्स है। अपन यहाँ रुके हैं, यहाँ पे लंच करेंगे, राघव गया सब्वे लेने, हम लोग खाएंगे हल्दीराम का। बंद कर कर आ रहे थे इनकी तो मिनी कूपर थी, ये वही मिनी कूपर हमें दोबारा मिल गई है।
भाई पहुंच गए हैं चंडीगढ़ जीरकपुर होटल में, 1:15 बजे पहुंचे हैं, 4:15 बजे के चले हुए, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट लंच सब कर लिया था रास्ते में, डीजल भरा लिया, फिर भी टाइम से पहुंच गए। और अब चेक इन की प्रोसेस चल रही है, चेक इन के बाद आपको रूम का व्यू दिखाएंगे। तो ये भाई पहुंच गए हैं अपने होटल, और अब आपको दिखाता हूँ रूम। ये एंटर करते ही आपका हैंड वॉश एरिया, ये टॉयलेट, ये बाथरूम, और एकदम नीट एंड क्लीन ये वार्डरोब। नीचे पूरा कारपेट, कुशन्ड कारपेट, बहुत बढ़िया शानदार कारपेट। ये अपना लगेज आ गया है, और सिटिंग एरिया, और बेड का साइज़ आप देखेंगे परफेक्ट साइज़ बेड का, और रूम के इंटीरियर्स एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। तो जो कोई भी भाई इस तरफ आए, जीरकपुर साइड आए, चंडीगढ़ शिमला मनाली जाने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा 4 by OYO जीरकपुर में। शिमला वाले कट से जस्ट पहले ही हॉलीडे इन के साथ में ये होटल है, और रूम साइज़ बहुत अच्छा है, और एकदम नीट एंड क्लीन। चलो मिलते हैं फिर आगे के टूर पे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। घूमने कहाँ जा रहे हैं? इलेलिनो रॉक गार्डन। यहाँ बहुत बढ़िया शानदार घर बने हुए हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। चंडीगढ़ का मतलब अच्छे घर, बहुत अच्छे अच्छे घर। और ये हम पहुंच गए रॉक गार्डन पार्किंग में, अब हम पार्किंग लगाएंगे। एंट्री किधर है पार्किंग की? नो पार्किंग लिखा है। यही तो होगी ना पार्किंग, देखो नो पार्किंग लिखा है। अच्छा से पूछो क्या यही है क्या पार्किंग? यही होगी, यही होगी पार्किंग तो यही। ये है भाई चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। आए थे, हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये कोरोना की वजह से बंद है फिलहाल, और नॉर्मल इसके जो टाइमिंग्स हैं वो 9 से 7 के हैं गर्मियों में, और 9 से 6 के हैं सर्दियों में। और एंट्री टिकट है 30 रुपये एडल्ट की, और 10 रुपये बच्चों की। लेकिन अभी ये बंद है इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। सुखना लेक भी बंद है। ये पूरा रॉक गार्डन की पार्किंग है, और अंदर से तो हम देख नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब ट्राई करेंगे। ये भाई चंडीगढ़ में स्मार्ट बाइक नाम से ये साइकिल्स हैं जो रेंट पे मिलती हैं। ये ऐप है उसका, और ये टैरिफ है, मेंबर्स के लिए 5 रुपये 30 मिनट के, नॉन मेंबर्स के लिए 10 रुपये 30 मिनट के। और जगह जगह इसके ऐसे ही पार्किंग सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप ऐप के थ्रू साइकिल लो, और जहाँ तक आपको जाना है वहाँ पे जाके उस साइकिल को खड़ी कर दो वापस। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा अगर मौका लगा तो। यहाँ पर रोड्स पर साइकिल के लिए ट्रैक हैं, डेडिकेटेड ट्रैक्स हैं साइकिल के लिए प्रॉपर। चलो मिलते हैं फिर। ये भाई लास्ट की जो लेफ्ट लेन है ये डेडिकेटेड साइकिल लेन है, यहाँ पे प्रॉपर लेन बनी हुई है ताकि साइकिल पे चलने वालों को बाकी ट्रैफिक से कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाकी ट्रैफिक जो है गाड़ियों को, उनको साइकिल से प्रॉब्लम ना हो। और ये क्रॉसिंग है प्रॉपर, ये क्रॉसिंग बनी हुई है, ये रेड मार्क जो दिख रहा है ना ये साइकिल की क्रॉसिंग है। वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड सिटी, खैर इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी भी है ये चंडीगढ़। ये भाई चंडीगढ़ का मार्केट है, कोई सेक्टर पता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना लाइन से सैलून्स हैं, हेयर मास्टर्स का पूरा सामने वो आप देख रहे हैं ना, पूरी बिल्डिंग सैलून की है। ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट, एफिनिटी, सनी अली, फेमिना, रचित लवान्या, ये सारे सैलून हैं। गजब भाई, एक साथ इतने सारे सैलून, अल्टीमेट अल्टीमेट। भाई पहुंच गए हैं होटल के कमरे में, जीरकपुर से चंडीगढ़ गए, वहां जाके देखा तो पता चला कि रॉक गार्डन बंद है, सुखना लेक बंद है, फिर सेक्टर 26 की मार्केट गए, सेक्टर 90 गए, सब जगह धक्के खा के और जाम में फंसते फंसाते 2 घंटे ख़राब करके वापस आ गए हैं होटल के रूम पे।
अब बैठ के कर रहा हूँ भाई एडिटिंग। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और कंटिन्यू करेंगे कल हम जीरकपुर से लेकर कालका तक, कालका जाएंगे हम बाई रोड और कालका से पकड़ेंगे टॉय ट्रेन। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ जीरकपुर होटल में, और कल का व्लॉग शुरू होगा कालका से लेकर शिमला तक। तो वीडियो को ज़रूर देखें और इसको शेयर करें। थैंक यू।